कराची में दिन के दर्जा हरारत में कमी आना शुरू हो गई है, लेकिन रात के दर्जा हरारत अब भी मामूल से जायद रह रहे हैं। उनीबा समीर शाह मजीद बता रही हैं। कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर इन दिनों मौसम गर्म और खुश्क रहता है, जबकि रात गए और सुबह सवेरे मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का इम्कान भी मौजूद है। कराची में इस वक्त मतलब साफ है और तेज़ धूप भी निकली हुई है। इन दिनों कराची में समंदरी हवाएं नहीं चलती, जो यहाँ के मौसम को मुतदिल रखती हैं और फ़िज़ाई मियार को भी बेहतर रखती हैं। सुबह सवेरे शुमाल से हल्की रफ्तार से हवाएँ चलती हैं, जिसकी वजह से कराची का फ़िज़ाई मियार भी मुतासर हो जाता है। इस वक्त भी कराची का जो फ़िज़ाई मियार है वो हसास अफराद के लिए मुज़िर सेहत है, और यहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 140 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, और इस वक्त कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 15वें नंबर पर मौजूद है। कराची में रात के दर्जा हरारत भी मामूल से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इन दिनों कराची में रात के दर्जा हरारत 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहते हैं, जबकि दिन के दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब आहिस्ता आहिस्ता दर्जा हरारत में कमी आना शुरू हो जाएगी और रात की खुनकी का आगाज हो जाएगा, जबकि सर्दियों का बाकायदा आगाज 15 दिसंबर से हो सकता है।